बहुत स्वागत है आप सभी का अपनी ट्यूशन पेपर हैकर में। मैं सूरज रास और आज के दिन देखने वाले जो भी छात्र बीए फर्स्ट ईयर में है, मतलब कि उनका पार्ट वन है, बीए पार्ट वन की बात करने वाला हूँ। बीए पार्ट वन है, फर्स्ट ईयर में है, और एजुकेशन के सेकंड पेपर की बात करूँगा 2022 में आने वाले क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस लाएंगे, मतलब 85% आप प्लस लाने वाले हैं। और आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करेंगे। कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और हाँ, सुन लो, आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं है। अब इन क्वेश्चनों को 17 से 18 क्वेश्चन होंगे, इन क्वेश्चनों को पढ़ लेना और 85% प्लस, मतलब कि 2022 के आप टॉपर बनने वाले हो। इस बात को आप समझ के पढ़ना होगा, क्योंकि जरा से थोड़े से क्वेश्चन पढ़कर आप याद रखना, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हो तो बना बना के कर दोगे। और कभी भी क्वेश्चन आ भी जाए ना तो आप बना बना के कर देना, छोड़ के नहीं आना, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ रहे बेटा, कुछ भी हो जाए। चलो, सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ देखो बोला गया उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा। अब देखो, उच्च शिक्षा आयोग का मूल्यांकन के बारे में पहला क्वेश्चन, अपने बुक नोट्स के पर जो भी लेके आए उस पर टिक लगा लीजिए। और बीए पार्ट वन, जिसको प्राइवेट स्टूडेंट, ओनली प्राइवेट स्टूडेंटों के लिए क्वेश्चन है, प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनका, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से देख लो, ठीक है। अब यह उच्च शिक्षा आयोग का मूल्यांकन के बारे में, इसको पढ़ लो। और यहाँ है संशोधित, और इसको हम उच्च शिक्षा को राधा कृष्ण मिशन भी बोल सकते हैं, राधा कृष्ण मिशन आयोग का मूल्यांकन किस तरीके से किया जाता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो शिक्षा नीति आई थी 1992 में, उसकी स्पष्ट करिए। और भारत की नई शिक्षा नीति जो अभी 2020 में आई है, नई शिक्षा नीति 2020 में आई है उसके बारे में, उससे पहले जो एक शिक्षा नीति आई 1992 में आई थी उसके बारे में, ये दोनों आपको याद करना होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये है कोटरी कमीशन की सिफारिश पर स्पष्ट कीजिए, इस क्वेश्चन को अब याद करके जाना होगा। और नेक्स्ट वो वैधकालीन शिक्षा क्या होती है, उनसे उद्देश्य, उनकी विशेषता, उनके गुणदोषों के बारे में पढ़ के जाना है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अपने बुक नोट्स गैस पेपर टिक लगा लो। यहाँ है वैधकालीन शिक्षा की व्यवस्था के बारे में, कैसी व्यवस्था थी वैधकालीन में, और आधुनिक शिक्षा के महत्व, आधुनिक शिक्षा में कैसे महत्व रहे हैं, ठीक है, वो आप देखना है। मध्यकालीन भारत में शिक्षा की व्यवस्था, मध्यकाल में भारत की जो शिक्षा रही है वो कैसी रही है, और साथ ही साथ वैधकालीन और वैदिककालीन में अंतर, दोनों को आप अच्छी तरीके से याद करना है। यहां बोला गया भारतीय शिक्षा में, भारतीय शिक्षा में मैकाले की देन का वर्णन करना है, और यहां कह रहा है नीति के बारे में वर्णन करना है, भारतीय शिक्षा के, शिक्षा में मैकाले के देन का वर्णन करना है और नीति के बारे में वर्णन करना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है 2022 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुड के घोषणा पत्र के बारे में, देखो गुड का घोषणा पत्र क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ है प्राथमिक शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा में जो हंटर आयोग है और खोखले, कह सकते हैं गोखले के योगदान के बारे में। अब देखो, एक था भारतीय प्राथमिक शिक्षा आयोग, शिक्षा के जो हंटर आयोग था उसके बारे में देखना है, साथ ही साथ जो गोखले का योगदान रहा है इसमें उसके बारे में दोनों को याद कर लेना है। नवोदय विद्यालय तो आप जानते होंगे, छोटे छोटे सरकारी सरकारी कॉलेज होते हैं, नवोदय विद्यालय से बोलते हैं, बच्चे वहीं पढ़ते हैं, वहीं रहते हैं, सरकार उसको खाना पोषण सब कुछ देती है, वो नवोदय विद्यालय के बारे में आपको देखना है। यहाँ है वर्धा शिक्षा क्या होती है उसके बारे में, 1937 में ये रूपरेखा के बारे में आपको बताना है, जिसे हम बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां है वैदिक और मुस्लिम शिक्षा प्रमुख व्यवस्था, मतलब व्याख्या करनी है कि जो वैदिक और मुस्लिम शिक्षा होती है वो कैसी होती है, उनकी क्या विशेषताएं होती है, उन विशेषताओं के बारे में एक्सप्लेन करना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं कैसे दूर कर सकते हैं, पहले की जो प्राथमिक शिक्षा की जो समस्याएं थी उनको हम कैसे दूर करेंगे, तो उन दूर करने की नई शिक्षा नीति आई आपको बताया है। तो सूझ में यहां कह रहा है विश्व भारती शिक्षा स्वरूप के बारे में बताना है, कि विश्व भारत की शिक्षा स्वरूप के बारे में आपको देख लेना है, विश्व और भारतीय, मतलब कि विश्व में भारत की शिक्षा कैसी है, ये इस क्वेश्चन का अर्थ बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वविद्यालय शिक्षा के गिरते हुए जो स्तर है वो क्यों गिर रहा है, कि विश्वविद्यालय हैं उनके शिक्षा के गिरते हुए स्तर के बारे में आपको बताना है। और यहाँ बोला गया है ऑपरेशन वर्ल्ड, कह सकते हैं ब्लैक वर्ल्ड योजना क्या होती है, इसके बारे में आपको देखना है। शिक्षा आयोग जो आपकी 1964 से लेकर 1966 तक की है, उनके उद्देश्यों के बारे में आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा शांति निकेतन की विशेषता क्या होती है, डॉक्टर अरविंद के द्वारा आपको टिप्पणी लिखनी है, जो पंडिचेरी जो आश्रम था उसके बारे में आपको बताना है। और कह सकते हैं शांति निकेतन इज मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ कह रहा है मुस्लिम शिक्षा के दोष के बारे में बताना है, और 1813 के चार्टर, जो कह सकते हैं चार्टर अधिनियम था, ठीक है, चार्टर अधिनियम आता है 1813 में, उसके बारे में याद कर लेना है। यहां बोला गया कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1900
17 की समस्याएं क्या कर रही हैं, कलकत्ता विश्वविद्यालय जो आयोग था 1917 की समस्याओं के बारे में देख लेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्थलीय विद्यापीठ जो है, कह सकते हैं वनस्थलीय विद्यापीठ है, उसके बारे में आपको देखना है। और यहाँ बोला गया है गोपाल कृष्ण गोखले के प्राथमिक शिक्षा का उल्लेखन करना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, रेड लेना क्वेश्चन को। और लास्ट क्वेश्चन है बेटा वो है बुनियादी शिक्षा की समस्याएं क्या है, उनके बारे में आपको पढ़ लेना। 2022 में 85% मतलब कि टॉपर बनना है, तो आपको इन क्वेश्चनों को ही पढ़ना है। 2022 में आने वाले क्वेश्चन यही है, इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ना है, केवल ओनली प्राइवेट स्टूडेंटों के लिए ये क्वेश्चन दे रहा हूँ। चल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।